प्रकृति के खूबसूरत अनुपम उपहारों में से एक है जल, पानी। जी हाँ, जल ही जीवन है। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है, लेकिन जीवन के लिए अति आवश्यक पेयजल कितना उपलब्ध है? यूं तो पृथ्वी का 3/4 भाग जलमग्न है, लेकिन कुल उपलब्ध जल का केवल 3% ही पीने योग्य है। ऐसे में साफ पीने का पानी, विशेषकर शहरों में, बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ी में जीवन व्यतीत करने वाले आम नागरिकों के लिए कहाँ है? भारत में साफ स्वच्छ जल के प्रति मौजूदा स्थिति चिंताजनक है। साफ पानी की उपलब्धता के लिए प्रयास सरकार और सामाजिक संगठनों के द्वारा विभिन्न स्तरों पर जारी है। पानी के दूषित होने के कारण कई तरह की बीमारियों एवं संक्रमण का खतरा सदैव बना रहता है। झुग्गी वाले बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा बीमार हो पानी, गंदा पानी पी के बीमार हो, बुखार आ रहा कई दिन से। पानी को साफ तो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? उस दिन बता रहे थे ना, गोली घेरो, धूम में रखो पानी को, धूम में रखो पानी को। जब से ये आए हैं पानी के लिए भी हर घर घर जाकर समझा रहे हैं सब लोगों को। पानी को साफ करने के 4 घरेलू तरीके। सबसे पहले छानना, जोर से बोलो छानना। पहला क्या छानना? हाँ, सूती कपड़े को लेके 6-8 बार तय लगा के उसमें पानी को छान लो। घर में हमारे ज्यादा बीमार रहते थे, अब जब से ये भाई साहब और मैडम आए थे पिछले साल, जब से हम उबाल का पानी पीते हैं अपने घर में। ये रहा, ये है सोडी स्मैशर, एक नंबर वाली बोतल में पानी भरकर धरना छत के ऊपर। तो हमने क्या किया, 1-1 लीटर की पानी की बोतल ली, उसके अंदर पानी डाला, अपने घरों की छतों पर रखा और 6 घंटे तक उसको धूप लगाई। अगर इंतजार भी नहीं कर सकते 6 घंटे का, तो क्लोरीन की 2 गोली पानी में डालकर पी लेना चाहिए। एक्वा प्लस की 2 बूंदें 1 लीटर पानी में मिलाएं या आधा ढक्कन 20 लीटर की बाल्टी में डालें। 30 मिनट इंतजार करें, अब ये पानी पीने लायक है। पानी को साफ और सुधरा रखने के लिए जो घरेलू तरीका है, छानना और उबालना, ये सब हमको जानकारी है बहुत सालों से, मगर आजकल के जीवन में छानना उबालना भी बहुत मुश्किल हो रही है। इसकी वजह से डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स ने एक टेक्नोलॉजी की, मान लीजिए एक टेस्टिंग किट और फिल्टर, ये ट्रीटमेंट सिस्टम को हमने डेवलप किया। तो आप मतलब आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना इनको? हाँ, इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको तारा एक्वाचेक फाइल बोलते हैं। इस ये बहुत असाधारण है, इसको आसानी से आप पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सही हैं सब, ना हमें कोई खांसी है ना बीमारी है। हमने करके देखा जो हमें देखे गए थे, ये पानी में डालकर आंटी, फिर बाद में देखना 3 दिन बाद कैसा निकलेगा। वो पानी हमने देखा निकाल कर, वो पानी खराब हो गया था। हमारी कोशिश है झुग्गी बस्ती में रहने वाले हर व्यक्ति, महिला और बच्चे का जीवन स्वस्थ हो, खुशहाल हो। स्वस्थ जीवन का सबसे बुनियादी और जरूरी आधार है स्वच्छ जल। इसीलिए हमारे प्रयास आपसे कहते हैं, स्वच्छ जल।